टाइम बी पी योर फ्रेंड. आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे हैं. और अगर आपके बाल ऐसे शाइन नहीं कर रहे हैं तो आज का वीडियो देखने के बाद जरूर शाइन करने लगेंगे. तो गाइस, क्या मैंने रिबॉन्डिंग करा है? तो क्या मैंने स्मूथनिंग करा है? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करा है? हाँ, लेकिन सैलून जाके? बिल्कुल भी नहीं. ये केराटिन ट्रीटमेंट मैंने अपने घर में ही किया है. और कैसे किया है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. तो गाइस, केराटिन ट्रीटमेंट आपको 3 से 4 हजार का सैलून में मिलेगा और जो मैं आज बताने वाली हूँ वो 10 से 20 रुपए में, उससे कम में ही हो जाएगा. तो गाइस, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये केराटिन ट्रीटमेंट आप अपने घर पे ही कैसे कर सकते हैं. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए. किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ऐसे इफेक्टिव रेमेडीज देखने के लिए, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड होममेड रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए बिना किसी देर की घर पे ही करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट और अपने बालों को सिल्की स्मूथ एंड शाइनी बनाते हैं. गाइस, आज का जो हेयर मास्क बनाने वाले हैं वो बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों के लिए, जो कि महंगे वाले केराटिन ट्रीटमेंट जैसा रिजल्ट देने वाला है आपके बालों में. तो चलिए, सबसे पहले आपको ले लेना है एक एम्प्टी बोल. और हमारे हेयर मास्क का की इंग्रेडिएंट है बनाना, यानी केला, हम सबका फेवरेट केला. तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बनाना में सिलिका, मिनरल्स, कोलाजन पाया जाता है जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्गर एंड थिकर बनाता है. बनाना में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे फ्लेकी एंड ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करने में हेल्प करती है और डैंड्रफ को भी रिमूव करती है. तो गाइस, आपको एक बनाना ले लेना है और उसे अच्छे से पील कर लेना है और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है. देन गाइस, हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है चावल का पानी. तो आपको 1 कप चावल को 1 बाउल पानी जितने में डाल के रात भर के लिए छोड़ देना है, या फिर आप 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं. उसके पानी को निकाल के इस हेयर मास्क में यूज करना है. देन हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हनी. मैं डाबर का हनी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का हनी यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल. मैं मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं. एक और इंग्रेडिएंट है, लेकिन जब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे तब उसे यूज करना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में बनाना के पीसेस को डाल दें. उसके बाद उसमें 1/2 कप चावल का पानी जो हमने बनाया था उसे डाल दें. उसके बाद आपको 2 चम्मच हनी ऐड करना है, देन 2 चम्मच एलोवेरा जेल. इसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर ले. जब एक बार इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर ले तो आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच ग्लिसरीन और एक बार इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड करना है. देन इसे आपको एक बाउल में निकाल लेना है कुछ इस तरीके से. तो गाइस, ब्लेंड होने के बाद हमारा हेयर मास्क कुछ इस तरीके से दिख रहा है. तो चलिए इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और इसे वॉश कैसे करना है, इसे कब कब लगाना है ये जान लेते हैं. तो गाइस, ये रहे मेरे चामुंडा लाला जैसे बाल. तो गाइस देख लो, मेरे बाल भी कोई खूबसूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है या ये या वो. तो आप खुद ही देख लो मेरी नेचुरल हेयर्स जो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं धोए हैं, क्योंकि बहुत ठंडी है गाइस, ठंडी, आप समझ सकते हैं. तो सबसे पहले इस हेयर मास्क को लगाने के लिए आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है. तो आपको ज्यादा नेतागिरी नहीं दिखानी कि झम झम अपन बालों को सुलझा रहे हैं और बरसात कर रहे हैं बालों की जमीन पे, फिर रो रहे हैं कि मेरे बाल आपके जैसे नहीं है, मेरे को सुंदर स्ट्रेट सिल्की स्मूथ हेयर चाहिए. तो सबसे पहले नीचे से बाल सुलझाएं, फिर मिड के, देन रूट्स के, और इस तरीके से पकड़ के सुलझाएं ताकि ज्यादा हेयर फॉल ना हो और रूट्स पे प्रेशर ना पड़े. तो चलिए, मैंने बाल बहुत हद तक सुलझा लिए हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी मुझे फील हो रहे हैं. तो मैंने अपनी अस्तीने अच्छे से चढ़ा ली और अब मैं हेयर मास्क लगा के केला माता बनने वाली हूँ. तो सबसे पहले 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिए, इस तरीके से क्लच कर लीजिए अपने बालों को और छोटे छोटे सेक्शंस निकाल के हेयर मास्क लगाना स्टार्ट करें. और अगर आपके पास भी मेरे जैसे नाकारा भाई बहन है तो आपको खुद ही हेयर मास्क लगाना पड़ेगा. और अगर अच्छे, वैसे होते तो नहीं है लेकिन अच्छे, थोड़े अच्छे हो तो ये आप उनसे भी करवा सकते हैं, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी. तो एक छोटा सेक्शन मैंने निकाल लिया है, अब इसमें हम बनाना हेयर मास्क लगाएंगे. हिंदी में बोले तो केला मुखौटा लगाएंगे. तो मैं एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ. अगर मेरी जैसे नेता आपको नहीं बनना है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मुझे अपने हाथ लगाने ही पड़े. तो गाइज, मैं सोच रही थी कि मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, मैं बिल्कुल स्वच्छ अभियान करके अपने बालों में हेयर मास्क लगा लूंगी, पर मैं गलत थी. तो फर्स्ट ट्रेंड तो इज्जत से हो गया, लेकिन बाल इतने लंबे हैं कि वो मेरी लोवर पे जा रही थी. तो मैंने रामुका का किस स्टाइल में तौलिए की तरह अपने बालों को अपने कंधे पे रखा और दूसरा स्ट्रैंड निकाल लिया. तो दूसरा स्ट्रैंड निकलने में नौटंकी कर रहा था पर निकल गया, और वापस मैंने अपने बचे हुए बालों को दूसरी तरफ से ले जा करके टक कर लिया ताकि मैं इजिली अपने
बालों में हेयर मास्क लगा सकते। तो गाइज इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं स्लो स्लो आपको सब कुछ बताऊं, और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप मेरे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ा दें। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो लगाया मैंने 2x, 2x में भी मजा नहीं आया तो मैंने लगा दिया 4x। तो फटाफट से देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ। हालांकि टाइम आपको उतना ही लगना है, पर मजे कीजिए। हाँ, तो मेरे हेयर मास्क को मन किया कि मैं थोड़ा सा टपक के मेरे कपड़े गंदे कर दूं, तो ये देखिए। और अब मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरे कपड़े बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। तो मैंने अपने देसी स्टाइल में पूरे हेयर मास्क को लिया और फटाफट से लगाना शुरू किया। मैं बड़े अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड तो कर रही थी, फिर सामने एक नोटिफिकेशन आया, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, जिसने मेरी आंखें खोल दी। अब इस हालत में मैं जाके अपने लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर करूं? तो जैसे तैसे मैंने सोचा जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैंने एक भर के स्कूप उठाया और अपने बालों की मिड सेक्शन में डाला, और देखिए मांग मेरी केले से भरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार, अब थोड़ा चुप हो जाओ यार वरना कॉपीराइट लग जाएगा यार। जिस तरीके से हेयर मास्क हर जगह टपक रहा था, थोड़ी देर में बंदर चाटने के लिए आने ही वाले। तो गाइस आधी तरफ मैंने अच्छे से हेयर मास्क लगा लिया है, तो आपने तरीका देख ही लिया होगा। तो अब मैं पूरे बालों में हेयर मास्क लगा कर आती हूँ क्योंकि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे बालों में केला मुखौटा लग चुका है, यानी बनाना हेयर मास्क लग चुका है। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। ऐसा लग रहा 10-15 मिनट बाद मक्खियों को खाना मिलना चालू हो जाएगा और मेरे बालों पे आके वो लोग कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं। अभी वैसे लंच का टाइम हो रहा है तो लंच ही कर लेंगे। तो चलिए 1.5 घंटे बाद मैं इसे वॉश करके आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो गाइस वॉश आपको करना है शैम्पू से, और आप चाहें तो अगर आपको कंडीशनर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और बाल धोने के बाद जब आपके बाल 100% सूख जाए उसके बाद ही आपको अपने बालों को डिटैंगल करना है। और ये रहा रिजल्ट, और गाइस बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने के लिए मुझे मिल रहा है यहाँ पे, आपको भी दिख ही रहा होगा। तो गाइस इस हेयर मास्क को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये हेयर मास्क आपके 4,000 रुपए आराम से बचा सकता है। तो आई होप आपका सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराने का डिसीजन अब चेंज हो गया होगा। तो फटाफट से इसे यूज कीजिए और इसके रिजल्ट्स अपनी स्टोरी पे डाल के कॉस्मेटोलॉजिस्ट को टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं उसे अपनी स्टोरी पे रीशेयर कर सकूं। तो आई होप गाइस ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से जाइए इस केराटिन ट्रीटमेंट को अपने घर पे ही कीजिए और इतने ब्यूटीफुल हेयर्स पा लीजिए। और गाइस वीडियो पसंद आई हो और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगी हो और इससे आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से शेयर कीजिएगा जिसको इस चीज की बहुत ही ज्यादा नीड है। और गाइस अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हैं और आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता है तो फोटो क्लिक कीजिए, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को टैग कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो मैं आपकी स्टोरी को अपने प्रोफाइल पे रीशेयर करूंगी। और गाइज अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपने स्किन और हेयर के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।